हेलो, दिस इज दीक्षा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक के सॉल्यूशंस ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यदि आपने अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देख लीजिए। साथ ही साथ आपको चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो भी मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मुलाज और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ टेन इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 9 के अंदर ही है, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, सेकंड है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। आप यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें ए और सी दो एंगल्स के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। अभी 8 नंबर तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सभी क्या थे, एक ही एंगल के रिस्पेक्ट में सॉल्व करने थे, लेकिन यहाँ पर ए और सी दो तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जो वैल्यू हमें गिवन है टेन इक्वल टू 1/√3। इसी हेल्प से पहले हम एक और साइड को निकाल लेते हैं, यानी कि थर्ड साइड को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे हम। ओके, इस तरह से नाम दे देते हैं ट्राइंगल को। बी पर हम 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम ए और ये हो गया है सी। तो इस तरह से एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी। आप रूलर की हेल्प से बनाए। ओके, क्या दिया है हमें, इट इज गिवन दैट टेन इक्वल टू 1/√3। अब टेन ए किन टू साइड्स का रेशियो होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का, यानी कि एल अपॉन के, यानी कि लेंथ अपॉन में हाइपोटेनस क्या होता है साइन, बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे में जो कर्ण है वो होता है कॉस, और लंब बटे आधार यानी कि लेंथ बाय बेस ये क्या होता है टेन। तो इस तरह से यहां पर हमें क्या मिल गया है, टेन ए इक्वल टू लेंथ, लेंथ किसे कहते हैं हम, जो एंगल हमें पूछा गया है या दिया गया है उसका अपोजिट साइड। जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए का अपोजिट वाला जो साइड होगा यानी कि बी सी वो क्या कहलाएगा, लेंथ कहलाएगा। ओके, और जो बेस है वो क्या होता है, जो एंगल हमें दिया गया है उसका एडजेंट साइड, उससे जुड़ा हुआ साइड, यानी कि ये हो गया है बेस, ये भी इससे जुड़ा हुआ साइड है, बट ये ध्यान रखे 90 का अपोजिट है तो ये हमेशा ही क्या रहता है, हाइपोटेनियस। ओके, हाइपोटेनियस ये आपको ध्यान रखना है, 90 का अपोजिट जो साइड है वो ऑलवेज हाइपोटेनियस, और जो एंगल हमें दिया गया है उसका अपोजिट साइड लेंथ, और जो थर्ड साइड बच रहा है वो क्या होता है बेस, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो एंगल दिया हुआ है उसका एडजेंट साइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरह से बेस, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपोजिट टू एंगल ए, और यहाँ लिख सकते हैं साइड एडजेंट टू एंगल ए। ओके, तो इस तरह से वैल्यू क्या मिल गई है, 1/√3, यानी कि जो लेंथ है हमारे पास में ये, यानी जो BC है वो कितना हो जाएगा 1, इसको आप लिख लीजिए इस तरह से, ये क्या हो गया है 1। ओके, और ये जो है बेस ये कितना हो गया है 1/√3। ओके, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे एक बार और लिख लीजिए, टेन ए इक्व टू बी सी बाय ए बी इक्व टू आ गया है 1/√3। ओके, अब इन दोनों ही वैल्यूज की हेल्प से हम AC यानी कि हाइपोटेनस को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के। ओके, यहाँ पर आप एक पॉजिटिव इंटीजर भी ले लीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ यूनिट रही होगी, तो हम यहाँ पे के मान सकते हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं आप यहाँ पर, लेट बीसी इक्वल टू 1k देन एबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3k। ओके, फिर आप अप्लाई कर दीजिए, और यदि आप के नहीं लेकर सॉल्व करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स है तो आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व करें जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज में किया है उस तरह से। ओके, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्व करते हैं, एसी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करते हैं, एसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, उसे एज इट इज लिखेंगे, एबी के प्लेस पे लिखेंगे 1/√3 स्क्वायर, यहाँ पे आप के भी लिख लीजिए, बीसी के प्लेस पे लिखेंगे 1k स्क्वायर। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, 3/√3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हाफ एंड हाफ, पावर्स क्या होती है मल्टीप्लाई में प्लस होती है, तो हाफ एंड हाफ क्या हो गया है 1 हो गया है। ओके, और यहाँ पे के स्क्वायर, ये बेसिक आइडेंटिटीज है, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ 1k स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, क्योंकि 1 की पावर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, यानी इस तरह से यहाँ से मिल गया है 4k स्क्वायर। ओके, आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एसी इक्वल टू 4k स्क्वायर जो है इसके ऊपर √, यहाँ से स्क्वायर हमने हटा दिया है, तो एसी इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2 × 2, और इसको लिख सकते हैं हम k × k, इस तरह से
ओके, रूट के जब बाहर निकालेंगे तो पेयर्स बन रहे हैं, तो इस तरह से एसी इक्वल टू आ जाएगा 2k। आप देख सकते हैं हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया है जो कि कितना आ गया है 2k। अब यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन शो हो रहे हैं एंड के फर्स्ट एंड सेकंड, इनकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। साइन ए कॉस ए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पहले हम इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, देन वैल्यूज को हम इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे। जो भी एंगल दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे रेशियोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे पास जो ट्रायंगल था वो इस तरह से था। यहाँ पर एक बार और हम ड्रॉ कर लेते हैं, बी ए और यहाँ पर क्या था सी। ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है जो कि कितने आ गई है 2k, जबकि बीसी कितना था हमारे पास में 1k, और ये जो है ए बी वो कितना है हमारे पास में √3k इस तरह से। ओके, अब हम क्या करेंगे वैल्यूज को निकालेंगे। सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे साइन ए निकालेंगे और फिर कॉस ए निकालेंगे। ओके, इसके बाद हम साइन सी निकालेंगे और कॉस सी निकालेंगे। क्लियर है, इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो किस तरह से रेशियो हमें बनाना है यहाँ पे मैं आपको रफली फिर बता देती हूँ, लाल बटे कक्का के हेल्प से। यानी कि एल मतलब है लेंथ, के मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस, ए मतलब है बेस यानी कि आधार। ओके, तो साइन यानी क्या होता है लेंथ अपॉन में हाइपोटेनियस यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल। यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, क्योंकि ए दिया है जबकि यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम साइड अपोजिट टू एंगल सी। ओके, और हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से साइड अपोजिट टू एंगल ए। बाय में क्या आ जाएगा के मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, यहां पर जबकि क्या आ जाएगा साइड अपोजिट टू, अब सी है तो यहां पर हमने सी के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है, यहां पे लिख देंगे हम हाइपोटेनियस। ओके, ये रेशियोज किस तरह से बनाए जाते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में भी हम देख चुके हैं। अब कॉस देखेंगे आप तो वो क्या होता है ए अपॉन के, ए मतलब बेस आधार और के मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो बेस एक्चुअली में क्या होता है जो एंगल हमें दिया गया है उस एंगल का एडजेंट साइड, तो यहां पे लिखना होगा आपको साइड एडजेंट टू एंगल, यहां पर ए है तो हम लिख देंगे ए अपॉन में क्या है के यानी कि कर्ण हाइपोटेनियस। ओके, हिंदी में हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं कर्ण, ऐसे यहां पे लिखेंगे साइड एडजेंट टू, अब यहां पर सी है कॉस सी इसलिए हमने यहां पे एंगल सी लिख दिया है, और बाय में क्या रहेगा हाइपोटेनियस। तो इस तरह से हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ओके, तो आप देखेंगे ए जब पूछा जा रहा है तो ए का अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा लेंथ कहलाएगा, तो साइन ए के लिए लेंथ क्या हो गया हमारे पास बीसी, जबकि हाइपोटेनियस एसी ही है। ऐसे यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे कॉस ए के लिए तो साइड एडजेंट टू एंगल ए, तो एंगल ए से जुड़ा वाला साइड क्या है ये वाला, यानी कि क्या मिल जाएगा हमको ए बी, और बाय में है सेम हाइपोटेनियस यानी कि एसी। ओके, साइन सी जब आप देखेंगे तो अपोजिट बोला है एंगल सी के, तो एंगल सी जो है अब इसके रिस्पेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो एंगल सी जो है इसके अपोजिट वाला साइड क्या है ए बी, ये बन जाएगा लेंथ, तो यहां पर हमें लिखना होगा ए बी, जबकि हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। और कॉस सी के लिए जब हम देखेंगे तो सी के अपोजिट वाला ही क्या कहलाएगा लेंथ, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास में ए बी, और बाय में क्या आ जाएगा हाइपोटेनियस यानी कि एसी। तो इस तरह से हमने रेशियोज को बना लिया है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी गिवन था ए बी और बीसी का, हमने एसी को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से साइन एक वस्तु कितना मिल गया हमें बीसी बाय ए सी यानी कि 1k, बाय में कितना आ जाएगा ए सी यानी कि 2k, के से के कट हो जाएगा तो 1/2। अब हम निकालेंगे साइन सी, तो साइन सी कैसे निकलेगा ए बी बाय ए सी, यानी कि ए बी की वैल्यू कितनी हो गई है √3k, और ए सी के प्लेस पे आ जाएगा 2k, यहाँ पे भी के से के कट हो जाएगा √3 और 2 हमें वैल्यू मिल गई है। अब ऐसे ही कॉस ए और कॉस सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। आप यहाँ ध्यान रखें साइड एडजेंट टू एंगल सी, तो एडजेंट जो साइड है वो क्या है बीसी है, यहाँ पर ध्यान रखें बीसी। ओके, साइड एडजेंट टू एंगल सी, तो एंगल सी से जुड़ा वाला साइड यहाँ पर क्या हो गया है बीसी, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लें इसको, क्या हो जाएगा बीसी। चलिए वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ए बी कितना था हमारे पास में √3k, और ए सी है 2k, कैसे के कट हो जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3/2। यहाँ पे जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो बीसी कितना था 1k, और यहाँ पे एसी कितना है 2k, कैसे के कट हो जाएगा तो यहाँ पे हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1/2। तो इस तरह से हमने साइन ए साइन सी कॉस ए और कॉस सी की वैल्यूज को निकाल लिया है। ओके, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे फिर हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या था हमारे पास में साइन ए कॉस सी, प्लस में था कॉस ए साइन सी, जबकि सेकेंड वाला क्या है कॉस ए कॉस सी
माइनस है साइन ए साइन सी, इस तरह से। ओके एग्जाम में आप लोग वन बाय वन सॉल्व करें। ओके पहले इसको पुट करते जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा वन बाय टू कॉस सी, ये मल्टीप्लाई में आप ध्यान रखें कॉस सी की वैल्यू कितनी है वन बाय टू, यहां मल्टीप्लाई लगा लीजिए वन बाय टू, प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है रूट थ्री बाय टू और साइन सी की वैल्यू है रूट थ्री बाय टू। ऐसे यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो रूट थ्री बाय टू कॉस सी की वैल्यू लिखेंगे तो वन बाय टू, माइनस साइन ए की वैल्यू लिखेंगे वन बाय टू और साइन सी की रूट थ्री बाय टू। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ओके मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले देन प्लस और माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा वन बाय फोर प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई में पावर्स प्लस होती है तो हाफ एंड हाफ हो जाएगा वन यानी कि थ्री बाय में क्या आ जाएगा फोर। ओके एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा फोर, ऊपर आ जाएगा वन प्लस थ्री यानी आ गया हमारे पास में फोर बाय फोर, कट करेंगे तो कितना आ जाएगा वन यानी कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी हमने किया है तो कितना आ गया है वन। ऐसे यहां पर हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट थ्री वन सा क्या हो जाएगा रूट थ्री हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे रूट थ्री बाय टू टू जा फोर, माइनस है रूट थ्री और टू टू जा फोर, तो आप देखेंगे एक प्लस और एक माइनस तो इस तरह से क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फोर एलसीएम आ गया है रूट थ्री माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस क्या होता है माइनस तो रूट थ्री में से रूट थ्री जब माइनस होगा तो हमें क्या मिल जाएगा जीरो बाय फोर यानी कि कितना जाएगा आंसर यहाँ से जीरो, चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर कट करके जीरो भी लिख सकते थे। ओके तो इस तरह से आप देख सकते हैं काफी इजी क्वेश्चन है पर हमने दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसे हमें सॉल्व करना था, यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कॉमेंट करें और यदि वीडियो पसंद आया हो क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।